Assalamu alaikum, dear students. Dear students, we are studying the chapter metals and non-metals. This lecture is for 7th class students. Dear students, in last lecture, we have discussed the process of corrosion and later on we have discussed the rusting of iron. Dear students, today we will study prevention of rusting. How we can prevent the iron from rusting. Dear students, you know, rusting is a process in which iron object is deteriorated, it destroyed due to the formation of a layer of rust. Rust is chemically hydrated iron oxide. और मैं उन गुबर जब rust बनता है तो strength जो है iron की खत्म हो जाती है, destroy हो जाता है iron. तो फिर मैंने आपको कहा था there are two main conditions that are responsible for the process of rusting. One is called मैं उन गुबर air and दूसरा moisture, मतलब oxygen and water are the two important factors that are responsible for rusting. तो म्यून गुबर अगर एक ये iron rod है, अगर आपको इस iron rod को बचाना है म्यून गुबर, अगर आपको इस iron rod को rusting से बचाना है, what you have to do, आपको बचाना है उससे, you have to preserve, keep iron away from O2 and water. हमें मॉइस्चर और ऑक्सीजन से इस आयरन रॉड को दूर रखना है. म्यून गुबर यूत ये दूर स्थापन ये आयरन रॉड उतना हमारे लिए फायदा है कि नहीं, क्योंकि म्यून जिगर आयरन को रस्ट तब लगेगा जब ऑक्सीजन वाटर होगा. अगर ये दोनों से हम इसको बचाएंगे, मतलब इसको कंटैक्ट नहीं करने देंगे, तो रस्टिंग होगी ही नहीं. तो पहला स्टेप जिसकी वजह से हम रस्टिंग बचाएंगे, इट इज कॉल्ड पेंटिंग. क्या कहते हैं? पेंटिंग. आपने देखा है ये शिश्तर गियर छानन या ग्रिल हम लाते हैं अपने वेरेंडाज के लिए, हम काम करते हैं, हम उसको पेंट करते हैं. क्या करते हैं? पेंट. पेंट से क्या होता है कि म्यून गुबर जब पेंट हम इसके लेयर पे लगाते हैं आयरन के ऊपर से, फिर आयर और मॉइस्चर उसको अटैक नहीं करता. आपने देखा है कि ये जिस पे पेंट होता है ना, मॉइस्चर अंदर नहीं चला जाता, तो हमारा आयरन बच जाएगा. तो दिस इज द फर्स्ट मेथड, दैट इज कॉल्ड पेंटिंग. दूसरा जो है, इट इज कॉल्ड ल्यूब्रिकेटिंग. हम ल्यूब्रिकेशन करेंगे. ल्यूब्रिकेशन मतलब उसका ग्रीस वीज है ना, ग्रीस शेष मथन, जिसको हम ऑयलिंग भी कहते हैं. ग्रीस ऑयल हम यूज करेंगे, उससे भी कोरोजन बचेगा. देखो, अगर आपने देखा होगा अपने गैस सिलेंडर्स, जब उनमें रस्ट होता है ना, हम उसको काम करते, हम ऑयलिंग करते हैं उसको, या मशीनरी पार्ट्स को ग्रीस करते हैं, या मशीनरी पार्ट्स को ऑयल करते हैं हम, उसको ल्यूब्रिकेशन कहते हैं. उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि जब ऑयल हम आयरन पे डालते हैं, अब ऑक्सीजन और मॉइस्चर कंटेक्ट में नहीं आएंगे आयरन के साथ, तो ये बच जाता है. समझे वन में गोबर. तो तीसरा प्रोसेस है कोटिंग विथ अदर मेटल्स. कोटिंग विथ अदर मेटल्स. दूसरा एक प्रोसेस है जिससे हम मेटल्स को बचा सकते हैं. कैसे? हम दूसरे मेटल की कोटिंग करेंगे इस पे. फॉर एग्जांपल, आयरन सरफेस जो है, इसको हम कोट कर सकते हैं दूसरे मेटल के साथ, जो इसको प्रोटेक्ट कर सकता है मेटल से. क्या? कोटिंग विद अदर मेटल्स. हम और मेटल की कोटिंग करेंगे किसको? फॉर एग्जांपल आयरन को, जिससे बचे. पहला ए है इसमें, जिसको हम बोलते हैं गैल्वनाइजेशन. व्हाट इज गैल्वनाइजेशन? ये आपको पता होना चाहिए. गैल्वनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स. म्यून गोबर गैल्वनाइजेशन में हम काम करते हैं आयरन शीट को. म्यून गोबर हम डालते हैं मोल्टन जिंक मेटल में. तो जब आयरन शीट को हमने मोल्टन जिंक में डालता, तो ये म्यून गोबर इस पे डिपॉजिट होगा. क्या?
इस पर डिपॉजिट होगा ना जिंक, इस प्रोसेस को गैल्वनाइजेशन कहते हैं। अब म्यून गोबर, अब इस प्रोसेस में हमने आयरन शीट को डिप किया किसमें, मोल्टन जिंक मेटल में, इसको कहते हैं, अब जो आयरन बना इसको बोलते हैं गैल्वनाइज्ड आयरन। क्या कहते हैं? गैल्वनाइज्ड आयरन। फिर हम इसको कूल करते, इट इज देन कूल्ड एंड यूज टू मेक ऑब्जेक्ट सच एज बकेट्स एंड अदर यूजफुल आइटम्स। म्यून गोबर, बात सुनिए, गैल्वनाइजेशन में हम गैल्वनाइजेशन वो प्रोसेस है जहां पे हम आयरन को डिपॉजिट करते हैं, आयरनस पे लेयर खाड़न इस पर पेंट ना करें, इतने पॉइंट करो इस डिपॉजिट पे जिंक। म्यून गोबर जब अब ऑक्सीजन और मॉइस्चर रिएक्ट करेगा, वो पहले किस पे रिएक्ट करेगा, वो पहले रिएक्ट करेगा जिंक के साथ, खत्म गैस्त, जिसको हम कश्मीर में एक कहावत है बिल्ली का बकरा, बल्ले का कहता बल्ले का बकरा उसको कहते हैं, मतलब जाएगा खत्म तो वही। फॉर एग्जांपल गोली आई, मैंने बुलेट प्रूफ पहना, किसी ने गोली मारी, वो बुलेट प्रूफ, वो जो बुलेट प्रूफ उस पे बैठेगी मेरे, मतलब मुझे वो छूके नहीं जाएगी, तो वो जो है ना बुलेट प्रूफ, वो एज ए कोप कवर है मुझे। इसी तरह आयरन पे हम काम करेंगे, जिंक कोटिंग लगाएंगे, जब हमने जिंक कोटिंग लगाई तो जब अब म्यून गोबर रस्टिंग होगी तो पहले खत्म होगा कौन, जिंक, तब तक आयरन बचेगा। समझे यून? तो गैल्वनाइजेशन इसमें प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से आयरन कोरोजन से बचेगा। समझे यून? दूसरा जो है वही पे एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं टिनिंग। टिनिंग क्या कहते हैं? टिनिंग। टिनिंग में काम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ कोटिंग मेटल्स विथ टिन, इसमें हम कोटेड विथ टिन। अगर आप टिन से कोटिंग करेंगे उस प्रोसेस को कहते हैं टिनिंग। क्या कहते हैं? अगर आप टाइनिंग भी कह सकते हो म्यून गोबर। यहां पे भी फिर अगर फॉर एग्जांपल ज्यादातर ये किसको करते हैं, हम कॉपर को करते हैं ज्यादातर, आपको पता है कॉपर टिनिंग ज्यादा करते हैं कॉपर को, बिकॉज कॉपर को क्या होती है ग्रीनिश लेयर चढ़ता है। क्या चढ़ता है? ग्रीनिश लेयर, जब कोरोजन होता है ग्रीनिश लेयर बनता है, तो हम उस पर टिन की कोटिंग करेंगे उसको टिनिंग बोलते हैं, और कॉपर को बचाएंगे किससे, किससे, कोरोजन से। और सी पार्ट है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी काम करते हैं हम, डिपॉजिट करते हैं। यहां पे क्या किया हमने, यहां पे भी गैल्वनाइजेशन में भी हमने डिपॉजिट किया थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स। सर यहां पे क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यहां पे हम डिपॉजिट करते हैं लेयर बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब प्लेटिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। म्यून गोबर यहां पे भी हम डिपॉजिट करते हैं किसी मेटल पे दूसरा मेटल, बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो म्यून गोबर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब करते हैं ना, तो आयरन ऑब्जेक्ट्स जो है वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। फॉर एग्जांपल आख एग्जांपल दिम हो तो है, आपने वॉशरूम जाते हो आप सब, हमारे जो नल होते हैं वो ब्यूटीफुल होते हैं, असली वो लोहे के होते हैं, आयरन के होते हैं, बट उस पर कोट किया जाता है क्रोमियम। क्या किया जाता है? कोट क्रोमियम, तो वो बहुत ब्यूटीफुल बन जाता है। फॉर एग्जांपल सिल्वर को हम कोटिंग कर सकते हैं किसकी, किसकी, गोल्ड की, दूर से वो गोल्ड दिखेगा लेकिन होगा सिल्वर। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी हम रस्टिंग प्रिवेंट करेंगे। समझ है इवन? और लास्ट वाला जो है इसको कहते हैं अलॉयिंग। क्या बोलते हैं? अलॉयिंग। लास्ट वाला जो है इसको कहते हैं हम अलॉयिंग। अलॉयिंग में क्या होता है, हम आयरन को मिक्स करते हैं दूसरे मेटल के साथ। अब आयरन को आपको पता है स्टील को होता है कोरोजन, स्टील को रस्टिंग नहीं लगती, स्टील अच्छा खाई लगा मगर आयरन को लगता है। स्टील अलॉय है एक्चुअली। अलॉय का क्या है, अलॉय का मतलब मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, अलॉय में हम दो तीन मेटल्स मिक्स करते हैं। क्या करते हैं? मिक्स। यही बात यहां पे भी है, हम मिक्स करते हैं एक दो, फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन, इसमें हम क्या करते हैं स्टेनलेस स्टील में आयरन निकल और क्रोमियम, आयरन निकल एंड क्रोमियम, इनको मिक्स करते हैं, वहां पे स्टेनलेस स्टील बनता है और उसको कोरोजन नहीं होता। तो अलॉयिंग का क्या मतलब, इन दिस मेथड ए मोल्टन मेटल इज मिक्स्ड विद अदर मेटल्स टू फॉर्म ए न्यू सबस्टेंस इज कॉल्ड अलॉयिंग। तो अलॉयिंग का मतलब है यहाँ पे दो तीन मेटल्स हम मिक्स करते हैं जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज एनहेंस होती है। फॉर एग्जांपल आयरन को रस्ट लगता है, जब हम उसको स्टेनलेस स्टील बनाते हैं तो उसको फिर रस्ट नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील में क्या करते हैं, आयरन निकल और क्रोमियम मिक्स
करते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट म्यून गोबर रस्टिंग। एक लास्ट टॉपिक इसमें है, एक दो मिनट में वो भी डिस्कस में करूंगा, जिसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। आप जानते हैं म्यून गोबर, व्हाट आर मेटलॉइड्स? ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया। मेटलॉइड्स वो सबस्टेंसेस होते हैं दैट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स प्रॉपर्टीज दिखाते हैं मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। कुछ मेटलॉइड्स की अगर आप बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, टिन है, लेड है, दीज आर म्यून गोबर मेटलॉइड्स। जो ये मेटलॉइड्स होते हैं, बोरान छो, आर्सेनिक है, ये सारे मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स आर यूजुअली ब्रिटल, ये ब्रिटल होते हैं, एंड सम आर शाइनी सॉलिड्स, कुछ शाइनी सॉलिड्स होते हैं। कुछ मेटलॉइड्स कंडक्ट करते हैं, मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करते हैं, एंड कुछ इंसुलेटर्स भी है एट रूम टेम्परेचर। और म्यून गोबर जो होते हैं ना, क्या इनको बोलते हैं? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स यूजुअली होते हैं सेमीकंडक्टर्स। क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स का मतलब ना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ना कम करते हैं। और म्यून गोबर ये एज ए कैटलिस्ट एक्ट करते हैं केमिकल क्या रिएक्शन में। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो आल्टर करता है रेट ऑफ रिएक्शन। जिस तरह जब हम कर्ड बनाते हैं ना, उसमें हम डालते हैं कैटलिस्ट, ज्योरुन यथ वनन, उसकी वजह से वो जो कर्ड जल्दी बन जाता है। तो ये एक्ट करते हैं एज ए कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में, ताकि केमिकल रिएक्शन जल्दी जल्दी मतलब आल्टर करते हैं इस केमिकल रिएक्शन को। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। वी हैव कम्प्लीटेड दिस लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आपको सेंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।